कुमार प्लास्टिक सर्जन एक बार फिर आपके सामने हूँ बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है वेरिकोज वेन एंड इट्स ट्रीटमेंट। वेरिकोज वेन है क्या? वेरिकोज वेन हमारे पैरों की नसों का फैलाव है, डायलेटेशन ऑफ सुपरफिशियल वेन्स ऑफ लेग। इसका कारण इंपॉर्टेंट कारण है वो वेन के वाल्व का इनकॉम्पिटेंट होना। वेन का वाल्व एक ऐसी एनाटॉमिकल डिवाइस है जो ब्लड के प्रेशर को हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी में एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ने देती है। जब भी प्रेशर राइज करता है वेन के वाल्व चोक हो जाते हैं और ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ रुक जाता है। लेकिन जब ये वाल्व इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, इनमें बंद करने की क्षमता कम हो जाती है, तो वेन में पैर के नसों में ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, या यूं कहें कि उसमें ब्लड का जमाव ज्यादा होता है, और जिसके कारण ये नसें फैलती हैं और ये बाहर से दिखाई देने लगती हैं, और इसी कंडीशन को वेरिकोज वेन कहते हैं। वेरिकोज वेन के होने से जो दिक्कत है वो यूं तो अर्ली स्टेज में सिर्फ वेन का दिखना ही एक समस्या हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे ये कंडीशन आगे बढ़ता है तो फिर पैर में नीचे के तरफ डार्क डिस्कलरेशन, अल्सर का होना, ब्लीडिंग और एक कॉन्टिन्यूस फैटी। जब भी ज्यादा देर तक लोग काम करते हैं, चलते हैं, खड़े रहते हैं, तो पैर में एक खिंचाव का होना और एक थकावट का होना, ये कंप्लेन पेशेंट का रहता है। और एक सबसे जो बड़ी दिक्कत है जो कि यंग एज की पीपल्स फेस करते हैं वेरिकोज वेन के होने के कारण, वो है कि जब जॉब के टाइम जब मेडिकल टेस्ट होता है, पर्टिकुलरली जब डिफेंस में, आर्मी में, पुलिस में, तो फिर उस टाइम वेरिकोज वेन के होने के कारण उन्हें अनफिट कर दिया जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम कह सकते हैं वेरिकोज वेन के होने के कारण। जहां तक इसके ट्रीटमेंट का सवाल है, तो वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट के लिए कोई भी मेडिसिन जो खाने वाली टैबलेट्स या इंजेक्शंस नहीं अवेलेबल हैं। हाँ, कुछ फ्लेवोनॉइड्स ग्रुप के टैबलेट्स हैं जिनको लेने से कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर मिलता है, लेकिन वो बहुत डेफिनेटिव बहुत सारे टाइम पे नहीं हो पाता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहा जाता है, और ये चीज वेरिकोज वेन के कंडीशन में बड़ी अच्छे से लागू होती है। जब भी वेरिकोज वेन का कंडीशन शुरू के स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाता है और लोग कुछ सावधानी लेके रखते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा देर तक खड़े ना रहना, अगर खड़े रहते भी हैं तो बीच बीच में अपने पोस्चर को चेंज करें, बैठ जाएं, थोड़ा सा मूवमेंट करें, और सबसे जरूरी है स्टॉकिंग पहन के रहें। मतलब स्टॉकिंग एक ऐसी कंप्रेशन डिवाइस होती है कुछ सॉक्स की तरह की, जिसको अगर पहन के रखते हैं तो वेरिकोज वेन का प्रोग्रेशन, उसका फैलाव और डिजीज प्रोग्रेशन, डिजीज हायर स्टेज में बढ़ जाना, ये कम होता है और बहुत दिनों तक समस्या कंट्रोल में रहती है। लेकिन अगर एक बार वेरिकोज वेन की समस्या हो गई तो फिर सर्जरी ही ट्रीटमेंट है। पहले के टाइम में जो सर्जरी की जाती थी वो स्ट्रिपिंग सर्जरी होती थी, जिसमें वेन के अंदर एक स्टील के पतले से वायर को डालकर वेन को खींचकर बाहर निकाला जाता था। ये सर्जरी काफी हद तक बड़ी ब्रूटल सी होती थी, वेन डिस्ट्रॉय तो होता था लेकिन उससे जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो कम मिला करता था। कई बार लोग इंसिजन देकर के भी वेन को ट्रीट करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो भी सर्जरी बहुत इफेक्टिव नहीं होती थी। एंडोवेनस एब्लेशन ऑफ वेन ये आजकल इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कह सकते हैं है। और डायोड लेजर एब्लेशन ये अभी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस प्रूव्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड हम इसे कह सकते हैं। इस सर्जरी में लेजर एनर्जी का यूज किया जाता है, 1470 डायोड लेजर यूज करते हैं हम अपने सर्जन सेंटर पे। इस ट्रीटमेंट में एक बहुत छोटे से इंसिजन, बहुत छोटे से सुराख से वेन के अंदर लेजर फाइबर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके थ्रू लेजर एनर्जी पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वेन में, खास करके उस पर्टिकुलर जगह को जिस जगह के वाल्व इनकॉम्पिटेंट है और जिसकी जानकारी हम लोग पहले कलर डॉपलर से वो फाइंड आउट कर लेते हैं, उसे लेवल कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, पूरे वेन के लेंथ के फैलाव को कम किया जाता है लेजर एनर्जी से। इस सर्जरी के करने में बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक तो पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पेशेंट सेम डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। सर्जरी के बाद वर्क एब्सेंटीज भी बहुत कम होता है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है, बाहर से कोई निशान नहीं आता है। इस सर्जरी के करने में तकरीबन आधे घंटे से एक घंटे का समय लगता है, ये डिपेंड करता है कि वेन कितना ज्यादा फैला है, कितने ज्यादा उसके ब्रांचेस फैले हुए हैं, उस पर ये निर्भर करता है।
इस सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं होती है, सेम डे पेशेंट इवनिंग में डिस्चार्ज हो जाते हैं और सर्जरी के बाद पेशेंट खुद अपना चलते हुए घर तक जाते हैं, अपनी सारी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी रूटीन एक्टिविटी वो खुद से करते हैं। फिर भी पेशेंट को एडवाइस दी जाती है कि वो 3-4 दिनों तक अपने घर पे रेस्ट करें। वो रेस्ट बेड रेस्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ काम से रेस्ट जरूर लेना चाहिए। और एक जरूरी बात, स्क्रीन पर दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप उस पे भेज सकते हैं, हम विद इन टाइम उसका जवाब देंगे। कुछ भी अगर वेरिकोज वेन से रिलेटेड, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड आपकी समस्या हो तो आप निसंकोच विदाउट एनी हेजिटेशन अपने सवाल इस व्हाट्सएप नंबर पे पोस्ट कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी वेरिकोज वेन के बारे में। आप सबों से ये गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हमेशा इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस समय समय पर आपके लिए लाते रहें। नमस्कार।